दोस्तों मेरे सामने एक डायबिटीज के पेशेंट हैं और जब उनसे कहा कि आपको हर डायबिटीज वालों को आफ्टर द एज ऑफ 40 ईयर डायबिटीज कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट करने के लिए स्टैटिन नाम की गोली जो कोलेस्ट्रॉल को एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम करती है, बैड कोलेस्ट्रॉल टोटल कोलेस्ट्रॉल कम करती है एंड गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल बढ़ाती है। वो जब लेने को बोला तो मैडम कहते कि मैं दवा कम से कम खाना चाहती हूँ और कोलेस्ट्रॉल दवा मैं नहीं खाना चाहती हूँ। तो मैंने बोला कि ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO गाइडलाइन है, इवन अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन गाइडलाइंस है, इंडियन हमारे जो एंडोक्राइनोलॉजी एसोसिएशन गाइडलाइंस है, पूरे वर्ल्ड की ऑलमोस्ट एवरी डॉक्टर सेज दैट ऑल डायबिटिक्स आफ्टर जो 40 ईयर कोलेस्ट्रॉल दवा जरूर लेनी चाहिए, चाहे रिपोर्ट कैसा भी आए। अगर 40 से कम अगर आप एज आपकी और डायबिटीज आपको है, अगर मोर देन 10 ईयर टाइप 2 डायबिटीज है या मोर देन 20 ईयर टाइप 1 डायबिटीज है या आपके ब्लड के अंदर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है मोर देन 100 आ रहा या आपके खानदान किसी को हार्ट अटैक अर्ली टेंडेंसी है, पापा को बिलो 55 हार्ट अटैक हुआ या माँ को बिलो 65 हार्ट अटैक हुआ है, इसका अर्ली हार्ट अटैक टेंडेंसी है उनको जरूर लेना चाहिए, या किसी यूरिन प्रोटीन लीक करे माइक्रो एल्बुमिन पॉजिटिव हो या जिसका कि टोटल कोलेस्ट्रॉल एलडीएल को बहुत ज़्यादा हाई है, ऐसे लोग को स्टैटिन जरूर लेना चाहिए। बिकॉज स्टैटिन जो है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और टोटल कोलेस्ट्रॉल घटा करके और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा करके खून की धमनी और आर्टरी के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमने नहीं देता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक प्रिवेंट होता है, फालिज पैरालिसिस प्रिवेंट होता है एंड पाँव के अंदर ब्लड फ्लो कम की टेंडेंसी प्रिवेंट होता है। देखा गया कि स्टैटिन लेने से हार्ट अटैक, पैरालिसिस एंड डेथ की जो चांस होता है 30% कम हो जाता है। स्टडी में देखा गया कि 1000 लोग जो 4 साल के लिए अगर जो स्टैटिन लेते हैं, जो नहीं लेते हैं, तो जो ले रहे थे बिना किसी हाई रिस्क के भी उनका 37% रिस्क कम था, कई स्टडी आया था। तो आजकल वर्चुअली स्टैटिन लेने से आपका डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन होने चांस बहुत ही कम हो जाते हैं, पर इसमें कंट्रोवर्सी है। आप नेट पे देखो तो स्टैटिन जो कोलेस्ट्रॉल कम तो बड़े नुकसान होते हैं जरूर, हर किसी को बॉडी पेन होता है, किसी को वीकनेस लगती है, ऐसे हम डोज कम कर देते हैं, कोई सीरियस साइड इफेक्ट नहीं होता है कि कोई जानलेवा नुकसान हो। भाई आपने दवा खाया, बॉडी पेन हुआ, थकान हुआ, तो उस कम कर देंगे। गाइडलाइन साफ है, कितना भी दिक्कत हो स्टैटिन चेंज कर 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 देंगे हम, बट नॉर्मली स्टैटिन जरूर लेना चाहिए। आफ्टर 40 ईयर स्टैटिन न लेने का कोई एक्सक्यूज नहीं है। हाँ बहन जी, कुछ आप कुछ कहना चाहेंगे, कुछ लाइक कुछ मन में विचार है, कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? अपने भारत में बड़ा एटीट्यूड है कि दवा कम लेना है। आप जान लो भाइयों, अगर डायबिटीज कॉम्प्लिकेशन बचाना है तो 3 चीज़ कर लो बस। ब्लड प्रेशर 130/85 से नीचे रखो, स्टैटिन यानी कोलेस्ट्रॉल कम की दवा खाओ, शुगर कोशिश करो जितना कम से कम ला सको, ट्राई करो बिलो 7 HbA1c से ले आओ। वैसे बिलो HbA1c 7 पूरे वर्ल्ड में हार्डली 50% लोग अचीव कर पाते हैं, मोर देन 50% लोग HbA1c हमेशा 8 के ऊपर रहता है। तो गुड डायबिटीज कंट्रोल बहुतों के लिए बहुत चैलेंज है, हम लोग खुद देखते हैं आसान नहीं है, बट ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना, कोलेस्ट्रॉल ये बड़ा आसान है, जस्ट BP कंट्रोल, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल कर लो, मोर देन 90% कॉम्प्लिकेशन बच जाओगे। बट दुर्भाग्य क्या, हमारे इंडियन लोग दवा कम खाना है उस चक्कर में दवा पूरी लेते नहीं है। भाई शुगर दवा खाने एक ही एम है, टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। और अगर सुन ले, और बड़ा मजेदार बात बोलता हूँ, किसी को शुगर कंट्रोल करना है, BP कंट्रोल करना है, कोलेस्ट्रॉल कम करना है, अगर तीनों की बात की जाए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव क्या होगा, तो अगर आप BP जितना कम रखोगे उतना कॉम्प्लिकेशन कम चांस ज़्यादा हैं, बेटर हैं, कम कॉम्प्लिकेशन होंगे आपको। सेकेंड, अगर शुगर हाई रहे, कोलेस्ट्रॉल हाई रहे, कौन ज़्यादा ध्यान करेगा, हाई कोलेस्ट्रॉल, और किसी शुगर खाली 200 रहे और कोलेस्ट्रॉल लो रहे उसका कॉम्प्लिकेशन चांस बहुत कम है। बिकॉज सारा जो डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन थ्रू कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट के थ्रू ही होता है, और कोलेस्ट्रॉल कम कर दो, शुगर थोड़ा बढ़ा भी रहे तो नुकसान उतना नहीं होगा। ये नहीं करो शुगर कंट्रोल करो, सब कंट्रोल करो, बट इम्पॉर्टेंस जान लो, ब्लड प्रेशर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है,
कोलेस्ट्रॉल सेकेंड इंपॉर्टेंट है, शुगर नंबर थ्री इंपॉर्टेंट है, और हम पूरे लोग क्या है शुगर पीछे पड़े हुए हैं। आई होप इसे नॉलेज मिला कि प्लीज़ किसी बहकावे में बताएं स्टैटिन जरूर लें।